हमको ने एक दो तीन। हाँ ये देखो गाइस कितना बड़ा है ये वाला, देख रहे हो इसका प्रेशर, देखो गाइस कितना हाई प्रेशर है इसका। बॉल और मजा ना आओ गलत कर दें। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है वापस से हमारे एक और नए वीडियो में। उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो गाइज मेरा नाम है अंकित सिंह और इसका नाम है राम विचार। हम दोनों कंद्रापुर से बिलोंग करते हैं, एक छोटा सा गांव है, सही कहनी है ना, जहाँ पे 3000 वोट पाया जाता है जहाँ पे 10000 पब्लिक कैसे ज़्यादा बन रहे नहीं छुट्टी से लगता है कि चार योग रखा। तो हेलो भाई लोग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल अंकित कर ब्रो। स्वागत करता हूं आप सभी का तहे दिल से हमारे ये छोटे से चैनल, छोटे से गांव के लड़के के चैनल अंकित कर ब्रो में। और सुबह का समय हो रहा है इस समय 7, और आज काफ़ी मैं सुबह उठ गया हूं, और इसका रीज़न ये है। तो ये सुबह सुबह भाई इसी जगह पे, मतलब इधर से इधर, इधर इधर से इधर, इधर से इधर, मतलब चलता फिरता, मतलब एक क्रेन है तो इसके साथ चलने में काफ़ी मज़ा आता है। तो चल अब चल जाए, तनिक गोभी देखा दो जा भाई लोग के, चल। तो चलो भाई लोग, हम लोग गोभी दिखाते हैं इधर, कितना मस्त गोभी हो रहा है। चलो आगे जाते हैं और गोभी दिखाते हैं आपको, चल। तो देखो गाइस, सुबह सुबह हम लोग आ गए एक गोभी के खेत में, और ये है गोभी। उधर से इधर तक लंबा, मतलब बहुत, मतलब चौड़ाई नहीं है लेकिन अच्छी खासी हुई है यार। इसमें देखते हैं फूल, भाई मेरे भाई फूल तो निकला है यार, देखो गाइस फूल निकला है। तो इसमें से बहुत निकाला भी गया है, देखिए इसमें से बहुत पीस निकाला गया। तो हम लोग 10000 पीस का मतलब अंदाज़ा लगा रहे हैं कि 10000 पीस इसमें होना चाहिए, और इसमें से बहुत निकल गया है एक्चुअली। इसमें से मतलब 2-3 बार गाड़ी आई थी शायद, निकली है क्योंकि इसमें से देखो कटा हुआ निकला, देखो ये पीस निकला हुआ कट गया है, बहुत सारे मतलब इसमें से पेड़ निकल गए हैं। कम से कम अभी एक ट्राली से वो हपच के प्रेशर वाली माल से लदाला गन्ना होगा लदा दे तब जाकर। पीछे मूड उस स्कूल में आवाज आ रहा है, देखो बैंड का प्रेयर के टाइम सुबह मॉर्निंग मॉर्निंग में। पीछे मूड सुनाई दे रहा है आपको, पीछे मुंह। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस कंपनी में, थोड़ा शरीफा वरीफा रखा हुआ है भूसे में तो खाएंगे, काम ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी जा रहे हैं, उसी में मस्ती करेंगे बहुत सारा। देखो डम 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 डम। तो ये है गाइस हमारी कंपनी, क्या हुआ है क्या हुआ है, लेके आप पाकल ढूंढ के लेके ये जल्दी। और बाबू तनी है कि काट देता है, इतनी पीस है वो बाटे काट के एकदम बढ़िया से रख देते। ये रेडी हुआ है कल बड़ी में पटी हो गए, कह के रख लो, बताओ तने हम कौन कलर हो, घासलेट कर दिए लो पहले वो करेगो, पहले वो बना लो तब। तो गाइस जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ, ये सूट सलवार इधर फेंका गया, हालांकि मुझे लगा कि ये नया है, साला ये फटा हुआ है, देखो इसमें फटा हुआ है, पहना हुआ दिया गया है, देखिए कैसे इसको सिला गया है, देखो देख रहे हो ये जॉइंट, मतलब जो फटा हुआ था इसको सुई धागे से इसको सिया गया, तो मैंने इसको इधर फेंक दिया भाई। ये 750 का मुझे पड़ा 750 का स्कैम हुआ हमारे साथ भाई, फ्रॉड हुआ सॉरी। तो इधर आ रहा है पानी, तो भाई मैं क्या करता हूँ इस टंकी का पानी भर लेता हूँ आराम से। इसका प्रेशर देखो गाइस कितना हाई प्रेशर है इसका, देख रहे हैं अभी भर गया, पानी बाहर गिरने लगा, अभी करता हूँ। देखो गाइस इतना प्रेशर। तो भाई लोग शाम का समय हो रहा है 5:30, और अभी हमारा दिल में आया ऐसा ख्याल कि हम लोग जाएं ज़रा कुल्फी खा के आएं, क्योंकि
कल रामविचार को कुल्फी मिला भी नहीं, आज मेरा भी मन कर रहा था कुल्फी खाने को, बहुत अच्छा लगता है कुल्फी का जो टेस्ट रहता है ना, बिल्कुल खोवे वाला टेस्ट आता है, नहीं खोआ रहता है ना, अच्छा लगता है उसमें कुल्फी का, कुल्फी में जो मतलब टेस्ट आता है वो बिल्कुल प्योर खोआ का रहता है, तो इसलिए वो बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आज चाय वाय नहीं पीऊँगा, इसके साथ ही कुल्फी लूँगा दो और वापस से फिर आऊँगा और अपने उसी जगह पे उसी सीढ़ियों पे बैठ के मज़ा काटूँगा। मानसून तो काफ़ी अच्छा ही है भाई, मानसून अगर बारिश नहीं हो रहा थोड़ा सा दिक्कत है किसानों के लिए, बट जो भी है सो अच्छा है, भगवान की मर्जी है, भगवान के हाथ में ही है सारा चीज़, तो भगवान के ही हाथ में है, हम उनके शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें लाइव दिया ऐसा खूबसूरत सा, तो तहे दिल से भगवान के शुक्रगुजार होते हैं भाई। हम लोग ले लिए कुल्फी भाई, अब हमने सोचा कि यहीं पे खाने भाई, ये है कुल्फी वाला बिल्कुल सामने है, देखो हाईवे कोल्हापुर सांगली। तो भाई कुल्फी खाने के बाद आ गए हम उसी सीढ़ियों पे जहाँ पे हम अक्सर बैठा करते हैं, तो काफ़ी मज़ा आया खाने के बाद, काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि जो चीज़ मांग रहा है दिल उसको खाने के बाद अच्छा भी फील होगा ना। तो भाई लोग हम लोग आ गए हैं अभी कुल्फी उल्फी खाने के बाद अपने उसी सीढ़ियों पे जहाँ पे अक्सर हम बैठा करते हैं, और पीछे का व्यू देखेंगे तो काफ़ी बैकग्राउंड खूबसूरत दिखेगा क्योंकि ये खेती है, खेती खूबसूरत लगती ही है, देखो कितना लाइन से क्लियर दिख रहा है ना, है ना। तो अभी मैं और राम बिचार यहीं पे बैठेंगे बातें करेंगे, और अभी देखो कंपनी हमारी खुली है वहाँ पे, देखो देख रहे हैं वो कंपनी खुली दिख रही है देखो, तो अभी 6 बजे उनकी छुट्टी हो जाएगी फिर आ जाएंगे वो लोग, फिर जाएंगे उनमें से भी 2-3 चाय पीने के लिए, चाय पियेंगे मस्त से भाई। तो अभी भाई जाने को हमारे को 5-6 दिन रह गया है, नहीं राम बिचार 24 अगस्त को हम जाने वाला हूँ, तो काफ़ी खूबसूरत आने वाला ब्लॉग रहेगा, आने वाला समय में काफ़ी खूबसूरत रहेगा, तो हमारे साथ जुड़िए, हमारे को सपोर्ट कीजिए ताकि बेहतरीन करूँ और भी मनोबल हमारा बढ़े। 33,600 तक बैठते हैं यहाँ पे, मज़ा लेते हैं भाई। गलत कह रहे हैं, सही बात बा ना, हफ्ता में एक ट्रेन ऐसा नहीं रहा है कि मतलब जरा टिकट ना लगे, देखता पब्लिक झूझत की मर जीता साहब नहीं में कुकुर बिलार भैंस सब ला दे, तो गांव नहीं जगह देखा ले बानी हम कि लकड़ियों ला देना सोई जो को मैं मीडिया में रहने सिद्धांत था माने सा ये तो बहुत ही नहीं राम बिचार यहाँ से चला गया और समय हो गए हैं भाई 6:30 और मैं अभी यहीं पे बैठा हूँ क्योंकि मेरे को भाई काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे बैठता हूँ, लेट तक बैठता हूँ, हालांकि कभी कभी मतलब 8 भी बज जाते हैं हमको यहाँ पे बैठे बैठे, हमको भाई काफ़ी अच्छा लगता है इसलिए बैठता हूँ यहाँ पे इस सीढ़ियों पे, मुझे अच्छा लगता है यहाँ का सामने का नज़ारा और यहाँ का व्यू काफ़ी खूबसूरत लगता है, हालांकि हमारा रूम वो है जो खेतों में दिख रहा है वो है, और हमको अच्छा लगता है इसलिए बैठता हूँ हम यहाँ पे। तो भाई अब हम वीडियो को यहीं पे कर देता हूँ, एंड कर देता हूँ, और आप अगर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो। चलो हम फिर से मिलेंगे आपको एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, मस्त रहें और खुश रहें, देखते रहें अंकित कर प्रो, बाय बाय।